हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज बूस्ट योर बेसिक्स। आज हम मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म पार्ट वन, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस वीडियो डू वॉच इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल धर्मेश मेहता जी पर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो लास्ट टाइम जब हमने ये स्टार्ट किया था तब हमने इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। तो एडवांटेजेस में हमने देखा था कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, देन इट हैज अ हाई डोसेज एक्यूरेसी, एंड ऑल्सो इट कैन जो जीरियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स क्लास ऑफ पेशेंट्स है वो इस डोसेज फॉर्म को इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, देन हमने डिसएडवांटेजेस में देखा था कि इट इज लिटिल बल्की टू कैरी, देन स्पिलेज हो सकता है। ओके, देन इसकी स्टेबिलिटी, मतलब कोई भी ड्रग अगर सॉलिड स्टेट में हो तो ज्यादा स्टेबल होगा कम्पेयर टू इट्स लिक्विड स्टेट। ओके, देन द टेस्ट ऑफ द ड्रग, ओके, वी कैन डायरेक्टली फील द टेस्ट ऑफ द ड्रग, इफ इट इज बिटर वी कैन फील दैट बिटर टेस्ट। ओके, तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे। फिर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने फॉर इंटरनल यूज एंड फॉर द ओरल टॉपिकल ये दोनों क्लास देखे थे, एंड टूडे विल सी द वंस विच आर इंस्टॉल्ड इन द बॉडी कैविटी एंड द टॉपिकल वंस। ओके, तो हमने देखा था कि जो इंटरनल यूज होता है उसमें फर्स्ट एक्वस, ओके, और वहां पर हम मिक्सचर्स यूज करते हैं, सॉल्यूशंस यूज करते हैं, देन सिरप्स। ओके, सिरप्स में हमने देखा था कि जितना सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा उतना हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और इतना उतना माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस कम होंगे। ओके, देन लिंक्टस देखा था जो डेमोलिसेंट एक्शन दिखाता है। ओके, इट शुड बी टेकन विदाउट द एड ऑफ फोटो, इट शुड बी सिप्ड वेरी स्लोली। देन ड्रॉट देखा था, वो इट इज अ सिंगल डोज प्रिपरेशन। देन ड्रॉप्स देखे थे, देन हाइड्रो अल्कोहलिक में हमने एलिक्सर देखा था। ओके, एलिक्सर का अल्कोहल कंटेंट वेरीज फ्रॉम 3 to 40%, इट कैन बी मेडिकेटेड वन, इट कैन बी अ फ्लेवर्ड वन। ओके, देन ओरल टॉपिकल में हमने देखा था माउथ वॉश, mostly cosmetic purpose के लिए use होता है। Then gargles mostly used for the therapeutic purpose, but both of these are available in a concentrated form, so we have to dilute it and take it. Then हमने throat pain देखा था जो हमें brush से apply करना होता है, then sprays देखे थे। Okay, then ones which are installed in the body cavity वो हम आज देखेंगे। Okay, douches, enema, ear drops, nasal drop and nasal spray, और टॉपिकल में आते हैं सॉल्यूशंस, स्प्रे, लोशन, लिनिमेंट, पेंट एंड कॉलिडियम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेजल सॉल्यूशंस फॉर द बॉडी कैविटीज, पहला है नेजल सॉल्यूशंस। ओके, तो ये जो नेजल सॉल्यूशंस है, ओके, दे कैन बी आइदर, दे कैन बी एक्वस और दे कैन बी ऑयली। ओके, बट ये जो ऑयली प्रेपरेशंस है वो मोस्टली यूज नहीं होते क्योंकि इट कॉजेस ऑयल इंस्पिरेशन न्यूमोनिया। ओके, तो इसकी वजह से हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो है एक्वस वंस। ओके, देन दे शुड बी आइसोटोनिक। ओके, आइसोटोनिक क्यों? क्योंकि हमारे जो सिलिया है वो डैमेज ना हो, इसकी वजह से उसको आइसोटोनिक होना पड़ता है। देन इट शुड बी स्लाइटली बफर्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ अराउंड 5.5 to 6.5। ओके, जो नेजल म्यूकोजा का पीएच है। देन मोस्ट ऑफ व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड एज अ नेजल ड्रॉप्स और स्प्रेस। ओके, ये जो सॉल्यूशंस है दे कैन बी आइदर गिवन एज अ ड्रॉप्स और दे कैन बी गिवन एज अ स्प्रे। देन जो सॉल्यूशंस है दे आर यूज्ड फॉर टू रिलीव द नेजल कंजेशंस। ओके, कंजेशन में क्या होता है, जो हमारे मतलब नेजल म्यूकोजा के ब्लड वेसल्स है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारी जो एयर की पैसेज है, ओके, वो ब्लॉक हो जाती है। एंड व्हेनेवर वी गिव द डीकंजेस्टेंट्स दे विल व्हाट विल हैपन इज दैट द ब्लड वेसल्स विल कंस्ट्रिक्ट। ओके, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और इसकी वजह से जो पैसेज है एयर की वो खुल जाएगी। ओके, so that's why that's how this nasal decongestants works. So we are giving this drugs, okay, intranasally to relieve the nasal congestion, then for inflammation and also to combat the infection. Then इसका example है ऑट्रिविन nasal spray. Okay, और यहाँ पर जब हम ये nasal solutions देते हैं तब pharmacist को कुछ चीजें बतानी पड़ती है patient को, जैसे कि how to administer that, okay, how to administer, then he should tell that you should first wipe off all the mucus away from nose, then अगर spray है तो इट शुड बी टेकन इन अपराइट पोजिशन। ओके, अगर ड्रॉप्स है देन यू शुड लाई डाउन ऑन अ फ्लैट सर्फेस, ओके, विद द हेड ओवर द एज ऑफ द बेड, ओके, टू
कीप द हेड लोअर देन द शोल्डर्स, ओके। देन इसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि अगर हमने ये एक्सेसिव यूज किया या फिर बहुत कंटिन्यूअसली यूज किया तो ये बहुत ही वर्स इफेक्ट देगा, ओके, वर्स्ट एडवर्स इफेक्ट देगा या साइड इफेक्ट्स देगा, जैसे कि नेजल ब्लॉक हो सकता है, देन रेडनेस, स्वेलिंग, ओके, दिस कैन बी इट्स साइड इफेक्ट्स। इसकी वजह से हमें वो सिर्फ 2 to 3 times a day यूज करना होता है, ओके, इट शुड नॉट बी यूज कंटिन्यूअसली, ओके। देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ईयर ड्रॉप्स। और एक चीज जो नेजल सॉल्यूशंस के लेबल पे होती है वो है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ओके। नाउ ईयर ड्रॉप्स, इन ईयर ड्रॉप्स दे कैन बी आइदर सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और इमल्शंस, ओके, ऑफ ड्रग्स इन वाटर, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन इन टू द ईयर। These are used for removal of excessive cerumen, that is ear wax, to treat infection, inflammation, and also for pain and for cleaning and drying of the ear. Okay, ये जो cerumen wax है वो mostly insoluble होता है water में, और इसकी वजह से हम जो vehicles है वो mostly oily vehicles use करते हैं, okay? And यहाँ पर हम glycerin या propylene glycol क्यों use करते हैं, ताकि जो medicament है वो ज्यादा देर तक वहाँ पर रह सके, okay? Then here also the pharmacist should tell the patient, okay, how to administer it, like tilt your head to side and add the number of drops, whatever number the doctor has told, okay. Then he should put a cotton plug to retain the medication and also remain in that particular position for few minutes, okay. Then इसका भी जो label होता है उसके बाहर लिखा होता है कि for external use only, okay. और इसका एग्जाम्पल है बेटनेसोल ईयर ड्रॉप्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, डाउचेस। सो डाउचेस आर एक्वस सॉल्यूशंस इंटेंडेड टू क्लीन, डियोडराइज, सूथ और मेडिकेट द बॉडी कैविटीज, ओके। जो आई डाउचेस होते हैं, ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड एज आई वॉशेस, दे आर यूज्ड टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्चार्जेस फ्रॉम द आई, ओके। एंड जो वजाइनल स्टराइल डाउचेस होते हैं, ओके, उसे हम इरीगेशन भी बोलते हैं, okay, and they are introduced by means of a suitable rubber syringe with a specially designed nozzle for cleansing and antiseptic purpose, okay. Then the common ingredients, okay, douches mein jo common ingredients use hote hai wo hai cleansing agents, then antiseptics, then astringents, deodorants and refreshing agents, okay. And jo pH of douches hote hai, matlab douches ka jo pH hota hai is within the range of 3.8 to 4.4, ओके। एंड फॉर वजाइनल डाउचेस जो होते हैं उसका जो पीएच होता है वो अराउंड 5.5 होता है, ओके। देन दे आर ऑफन डिस्पेंस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ओके, विच इज डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम ऑफ अ लीटर और टू विद अ वार्म वाटर, ओके, दे आर गिवन इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। फिर आता है एनिमा। तो एनिमा आर एक्वस और ऑयली प्रेपरेशंस, ओके, दे कैन बी सॉल्यूशंस, दे कैन बी सस्पेंशंस, दे कैन बी इमल्शंस of the medicament intended for the rectal, okay, rectal administration to cause the bowel evacuation, to bring about a local or systemic therapeutic action, or to instill the x-ray contrast medium for examination of the lower bowel, okay. Then there are two types of enemas, okay, evacuant enemas and retention enemas, okay. These evacuant enemas which are there, they are mostly employed for the to cleanse the bowel, okay, either to allow the better visualization or for the administration of a radio contrast material, okay, during the diagnosis or to decrease the chance of contamination when bowel surgery is indicated, okay. और यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो रेडियो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है वो हम बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, ओके, टू फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द लोअर बाउल, ओके। तो इसकी वजह से हम मतलब अगर हमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन चाहिए या फिर कुछ रेडियो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंसर्ट करना है ड्यूरिंग डायग्नोसिस या फिर सर्जरी है तो हम इवेक्यूएंट एनिमास यूज करते हैं, ओके। इट इज एज मच एज 1 liter एंड वार्म टू अप टू द बॉडी टेम्परेचर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। देन रिटेंशन एनिमास जो होते हैं वो होते हैं लाइक रिटेंशन एनिमास आर यूज्ड फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट एंड द वॉल्यूम डू नॉट नॉर्मली एक्सीड 100 ml, ओके। यहाँ पर it can be up to 1 liter, but in retention enemas it does not exceed 100 ml. They are useful in infants and geriatrics patients who have difficulty in swallowing, okay. So isme jo drugs hote hain wo mostly
एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एंटी अस्थमेटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं ओके रिटेंशन एनिमल्स में. देन वी हैव एग्जांपल एंटोफोम एनिमा ओके. देन टॉपिकल अंडर टॉपिकल फर्स्ट वन वी हैव अ टॉपिकल सॉल्यूशंस ओके. सो टॉपिकल ओके. और एक चीज मैं बताना भूल गई कि ये जो एनिमास है उसके 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 जो उसका जो लेबल होता है उस पे लिखा होता है कि फॉर रेक्टल यूज ओनली ओके. एंड ऑल्सो द फार्मासिस्ट शुड टेल द पेशेंट्स दैट हाउ टू एडमिनिस्टर इट लाइक लाई डाउन ऑन साइड विद नीज बेंड ओके. देन इंसर्ट द टिप ऑफ द रेक्टम ओके इन टू द रेक्टम विद जेंटल प्रेशर स्क्वीज द बॉटल ओके. ये कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फार्मासिस्ट को पेशेंट को बताने पड़ते हैं ओके. देन वी हैव टॉपिकल अंडर टॉपिकल वी हैव टॉपिकल सॉल्यूशंस. सो टॉपिकल सॉल्यूशंस आर एक्वस और नॉन एक्वस प्रेपरेशंस अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन स्किन एज जनरल एंटीसेप्टिक और फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन लेजन्स इंक्लूडिंग द एब्रेशंस cuts, bites or pre-operative and post-operative cleansing wounds and for surgical hand disinfection. Okay? Iska jo example hai, wo hai Dettol antiseptic liquid. Then next one is collodions. So collodions are non-aqueous solutions of pyroxylene. Okay? In ether alcohol. Okay? With or without medicament. Intended to be applied to the skin, okay, which leaves a film on drying. Okay, non-medicated collodion contains 5% pyroxylene, used as a mechanical protective. Okay, वो occlusive film देता है to provide a water repellent seal for minor cuts and scratches. Okay, it either gives a occlusive layer, okay, or this particular layer helps to retain the medicament for a longer period of time. Okay. इसका जो एग्जाम्पल है वो है सैलिसिलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड कॉलोडियन ड्यूओफिल ओके. देन आता है लिनिमेंट्स. तो लिनिमेंट्स जो होते हैं वो दे आर सॉल्यूशन और इमल्शंस इन एन एक्वस और ऑयली व्हीकल ओके इंटेंडेड फॉर मसाज इनटू द अनब्रोकन स्किन ओके. इट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अनब्रोकन स्किन. इट इज यूज फॉर मसाज ऑन अनब्रोकन स्किन. देन दे आर यूज एज अ काउंटर इरिटेंट रूबिफिशेंट एंड फॉर सूदिंग पर्पज ओके. दे कैन बी अल्कोहलिक लिनिमेंट्स ओके. एग्जाम्पल इज एकोनाइट लिनिमेंट. देन सेपोनेशियस लिनिमेंट. एग्जाम्पल इज टर्पेंटाइन लिनिमेंट. एंड ऑयली लिनिमेंट. एग्जाम्पल इज मिथाइल सैलिसिलेट लिनिमेंट ओके. देन जो अल्कोहल लिनिमेंट है ओके उसमें जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है दैट गिव्स अ रूबिफिशेंट काउंटर इरिटेंट एंड माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एक्शन ओके. एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट ओके. And the spreading of this can be improved by including the soap, okay? जो oily होते हैं उसकी वो easily spread हो सकते हैं, right? But जो alcohol content वाले होते हैं, okay? They can be their spreading can be improved by including the soap. And then oily liniments are milder in action than alcoholic liniments, but are more useful when massage is required, okay? And ये जो liniments होते हैं उसके उसका जो लेबल होता है उस पर लिखा होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड ऑल्सो नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन ओके. अप्लाई विद फ्रिक्शन ओके. ऐसा इन लिनिमेंट्स के लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है. यहाँ पर एग्जांपल है म्योस्टल लिनिमेंट. देन लोशंस. अंडर लोशंस द लोशंस आर सस्पेंशंस इमल्शंस और combination of emulsions, suspension or aqueous or non-aqueous solutions designed to be applied to unbroken skin, okay, without friction. They are used for the epidermic effect, okay, such as local cooling, soothing, protective drying or moisturizing properties depending upon the ingredients used, okay. Then jo lotions hai, usme mostly jo ingredients present hote hai, jaise ki glycerin, alcohol, okay. देन ग्लिसरीन जो होता है ओके इट रिटेन्स द मॉइस्ट फिल्म ओके. ओके मॉइस्ट फिल्म रिटेन करता है ऑन स्किन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द एडियरेंस ऑफ द पाउडर लेयर ऑन द स्किन सर्फेस. देन जो अल्कोहल होता है ओके आफ्टर इवेपोरेशन इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट ओके एंड इट ऑल्सो लीव्स अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फाइन पाउडर ऑन सर्फेस ओके. एग्जाम्पल इज कैंडिड बी सोल्यूशन सॉरी कैंडिड बी लोशन. और जो लोशंस होता है उसका जो लेबल होता है इस पे लिखा हुआ होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली
देन नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, ओके, अप्लाई विदाउट फ्रिक्शन ऑन इंटेक्ट स्किन, ओके, ये सारे लोशंस के लेबल पे लिखा हुआ होता है. देन विल सी वन टेबल, ओके, यहाँ पर उस प्रिपरेशन का नाम है और यहाँ पर उसका सिनोनिम है, ओके. एक्वस आयोडीन सोल्यूशन आईपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लुगोल सोल्यूशन. देन कंपाउंड आयोडीन पेंट इज मेंडल्स पेंट. देन क्रेसोल विथ सोप सोल्यूशन इज लाइसोल. देन कैम्फोर लिनिमेंट इज कैम्फोरेटेड ऑयल. देन विक आयोडीन सोल्यूशन आईपी इज टिंचर आयोडीन. एंड स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन आईपी इज टिंचर आयोडीन स्ट्रॉन्ग. ओके, देन वी हैव मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व नाउ, बट बिफोर दैट इफ यू वांट मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल धर्मेश मेहता जीपेट. यू कैन प्रेस द बेल आइकन एंड यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम अ वीडियो इज पोस्टेड. वी ऑल्सो हैव अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू गेट एडेड ऑन दैट ग्रुप और इफ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर द क्लासेस, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर्स. यू कैन मैंशन योर नेम, योर कॉलेज नेम, एंड वी विल डू द नीडफुल. ओके, so let's see the questions. Question number one, collodion is composed of, okay, so option says cellulose nitrate, HPMC, methyl cellulose, none of the above. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं कि what is this collodion. So हमने देखा था कि collodion जो होता है उसमें जो main ingredient होता है वो pyroxylene होता है. Okay, it is a nitrated cellulose obtained by the action of mixture of nitric acid and sulfuric acid on cotton. Okay, the non-aqueous solutions of pyroxylene in ether alcohol is what we called as collodion. Okay, this cellulose tetranitrate is highly inflammable and harsh to touch. Okay, और ये जो collodions है, okay, वो उसमें जो main ingredient वो pyroxylene होता है. Okay, and this pyroxylene is nothing but actually a cellulose nitrate. Okay, nitrated cellulose. और वो बहुत ही इनफ्लेमेबल होता है. ओके, और एक बात मैं बताना भूल गई थी कि इसका जो लेबल होता है उस पर भी लिखा होता है कि इट इज इनफ्लेमेबल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड इट शुड बी अप्लाइड विथ ब्रश. ओके, तो हम आंसर हमें मिल गया है कि व्हाट इज कोलोडियन इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज नाइट्रेट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Regarding the use of co-solvents for the formulation of pharmaceutical solutions for oral administration, which of the following statements are true? Okay, so first statement hai, co-solvents are required in all pharmaceutical solution formulations. Then alcohols are commonly used as co-solvents in pharmaceutical solutions. Then glycerol may directly affect the pH of the formulation and co-solvents may affect the viscosity of the solutions. Okay. तो सबसे पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस, इट इज रॉन्ग, राइट? बिकॉज अगर ड्रग पहले ही सोल्यूबल है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो हमें को सॉल्वेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. देन अल्कोहल्स आर कॉमनली यूज्ड एज अ को सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस, यस दिस इज करेक्ट, राइट? अल्कोहल्स, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, ओके, दीज आर द कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स. देन ग्लिसरॉल में अफेक्ट द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन, नहीं, ग्लिसरॉल पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, राइट? देन को सॉल्वेंट्स में अफेक्ट द विस्कोसिटी, यस, जो ग्लिसरीन है, देन प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, वो विस्कस होते हैं, राइट? सो दे कैन अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन. ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ को सॉल्वेंट्स कौन से हैं, लाइक अल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन. ओके, सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज बी and D, both. Okay, alcohols are commonly used as a co-solvents in pharmaceutical solutions and co-solvents may affect the viscosity of the solution formulation. Okay, now let's see the next question. Which of the following enema should be warmed to body temperature before administration? Okay, retention enemas, evacuant enemas, both, none of the above. Okay, so humne dekha tha, right, ki jo large volume of enema should be warm to a body temperature before administration. Okay, किसके केस में देखा था? Evacuant enemas की केस में. Okay, if the enema is too cold, okay, अगर हमने वो body temperature के साथ match नहीं किया, तो अगर if it is too cold, it will cause intestinal cramping. Okay, and if it is too hot, it may damage the intestinal mucosa. Okay, so answer over here is evacuant enemas. Then fourth,
डैश आर ऑयली और एक्वस सॉल्यूशंस दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली. ओके, सो ऑप्शंस आर लोशन, एनिमास, टिंचर्स एंड सपोजिटरीज. ओके, तो लोशन तो आंसर नहीं है, टिंचर्स भी आंसर नहीं है, आइदर इट कैन बी एनिमास और इट कैन बी सपोजिटरीज. बट हियर ऑयली और एक्वस सॉल्यूशन इज आस्क्ड, राइट? सो सपोजिटरीज विल नॉट कम, आंसर विल बी एनिमास. ओके, सपोजिटरीज तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में आते हैं, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज एनिमास. देन फिफ्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म शुड बी अप्लाइड विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग. ओके, सो ऑप्शंस आर लोशन, लीनीमेंट, बोथ एंड नन ऑफ द अबव. यहाँ पर बोला है कि विथ फ्रिक्शन वी शुड अप्लाई इट, ओके, एंड विथ रबिंग. ओके, सो ये किसके लेबल पर था? लिनिमेंट्स के लेबल पर, राइट? सो लेबल फॉर लिनिमेंट्स हम देखते हैं, उसके लेबल पर होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट टू बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन एंड अप्लाई विथ फ्रिक्शन. एंड जो लोशन है उसके लेबल पर होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, अप्लाई विदाउट फ्रिक्शन ऑन इंटेक्ट स्किन. ओके, सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज लिनिमेंट्स. ओके, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.